बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल। सचमुच ये 9 वर्ष भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरा पड़ा है और ये उपलब्धियां हर दिन हर प्रसंगों के माध्यम से प्रकरण के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। कल आपने देखा होगा जब अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा यानी दुनिया के सबसे बड़ी ताकत पर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई देता रहा हो। भाइयों बहनों, यह है नए भारत की नई पहचान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा ये सम्मान, ये सामान्य सम्मान नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर गौरव के साथ दुनिया के मंच पर उठाने का एक अवसर देता है। बहुत शीघ्र हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं जिससे लोग आसानी से आगरा से भी और नोएडा ग्रेटर नोएडा से भी दिल्ली से यहां जुड़ सके, लोग आ सके। ये सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए आज देश के अंदर इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। कल्पना करिए जब 1947 से 2014 तक देश के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट बने थे और 14 से लेके 22 के बीच में 23 के बीच में 74 नए एयरपोर्ट बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में।